नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्ष गांठ आज है, 38वीं वर्षी है। आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का किया जाएगा आयोजन। सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे बकरतुल्ला भवन में, ये लाइब्रेरी में होगा। आपको बता दें कि बकरतुल्ला भवन सेंट्रल लाइब्रेरी में होगा प्रार्थना। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। तो भोपाल और से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की फ्लैश हो रही है। आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षी आज है। बता दें कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर ये। तो बरकतुल्ला भवन के सेंट्रल लाइब्रेरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षी आज। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षी है आज। सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और सीएम शिवराज भी इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शिरकत करेंगे। बरकतुल्ला भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षी आज। तो भोपाल त्रासदी का 38वां ये वर्षगांठ है। आपको बता दें कि आज सर्वधर्म समाज, सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्व धर्म प्रार्थना सभा का किया जाएगा आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षी आज है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा समझेंगे कि आज क्या कार्यक्रम है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी का 38वें ये वर्षगांठ आज मनाया जा रहा है और सर्वधर्म समाज के लोग भी प्रार्थना करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, भोपाल में 2 और 3 सितंबर 1984 की रात गैसकांड हुआ था जिसमें कई हजार लोगों की मौत हुई थी और आज 38वीं वर्षी गैसकांड की है। इस मौके पर भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का जो भवन है उसमें एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठीक 10 बजे शामिल होंगे। इसके अलावा कई और अन्य नेता भी इसमें शामिल होंगे, समाज सेवी शामिल होंगे। भोपाल के जो संगठन हैं जो गैस पीड़ितों की लड़ाई सालों से लड़ते चले आ रहे हैं, उनके सामाजिक कार्यकर्ता भी इस प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। भोपाल में 38वीं जो बरसी है आज, उस पर कई अलग अलग आयोजन भी किए जा रहे हैं। भोपाल गैस कांड में मृत जो लोग थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, साथ ही गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई भी लड़ी जा रही है, उसके लिए भी प्रदर्शन एक भोपाल में शाम को किया जाना है। ब्रजेश, सर्वधर्म समाज की बात कही जा रही है, इससे एक ये भी संदेश है कि जो भी दिवंगत रहे हैं सबके सब बराबर हैं, यह भी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, प्रार्थना सभा का मकसद यही है कि प्रार्थना की जाती है उन दिवंगत आत्माओं के लिए जो उस गैस कांड में मृत हुए हैं और जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके शांति के लिए प्रार्थना सभा तो की ही जाती है, याद किया जाता है। एक भोपाल का जो गैस कांड था वो दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना थी। इस तरह का गैस कांड जो था भोपाल में पहली बार भारत में भोपाल में हुआ था, तो इस गैस कांड की बरसी पर आगे ऐसी घटना ना घटे, ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके लिए भी विभिन्न तरीके से आज आयोजन अलग अलग किए जाते हैं। शाम को मशाल जुलूस भी जो है वो निकाला जाएगा जिसमें न सिर्फ भारत के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं बल्कि विदेशों से भी लोग आकर यहाँ पर उन मृत आत्माओं को याद करते हैं, श्रद्धांजलि उनको देते हैं। ब्रजेश, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और फिर इस लिहाज से अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था किए गए? बिल्कुल, देखिए, सीएम के प्रोटोकॉल के अनुसार बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भवन में सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लगभग 10 बजे से जो है यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भवन जो है यहाँ पर पहली बार ये कार्यक्रम रखा गया है। गांधी भवन या दूसरे भवनों में ये कार्यक्रम अमूमन होता रहा है लेकिन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के भवन में ये कार्यक्रम अब 10:30 बजे होगा। बिल्कुल ब्रजेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर से बड़ी खबर